अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार देर ना करो, यहाँ से रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन होगा ये जो देख रहा है बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन भी। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर प्राइवेसी कैसे लगानी है, फेसबुक की प्राइवेसी कैसे लगाई जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इजीली मेथड बता देता हूँ, बहुत इजी मेथड बताऊंगा कि फेसबुक आईडी पर कैसे मतलब प्राइवेसी लगानी है ताकि कोई आपकी आईडी को हैक ना करे, ताकि कोई आपकी आईडी को कुछ ना करे, ताकि कोई भी आपकी आईडी को आपकी आईडी का ईमेल नंबर कोई भी मतलब आपके आईडी से ना निकाले। तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने आप ब्राउज़र से भी कर सकते हो, फेसबुक एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, फेसबुक लाइट से भी कर सकते हो आप। ये एक वीडियो है मेरे ब्राउज़र में आन है, मैं इस वीडियो में आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि फेसबुक की आईडी पर कैसे मतलब प्राइवेसी लगानी है, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, प्राइवेसी से आपका आईडी जो है वो प्रोटेक्ट में होगी, वो हिफाजत में होगी, उसको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी आईडी जो भी है जिस पर आपने प्राइवेसी लगानी है, गार्ड लगानी है, उसको अपने मतलब ब्राउज़र में मैंने ऑन की है। इसके बाद क्या करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन के बाद आपको यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी नज़र आई होगी, सेटिंग एंड प्राइवेसी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आया है, देखो नंबर फर्स्ट पे आपने सारा प्राइवेसी लगानी है, यही से आपने पहले नंबर पर जनरल जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, देखो आपके सामने आपकी आईडी का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मेरा ऐड नहीं है इस आईडी में, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस ईमेल पर क्लिक करना है या एडिट पर क्लिक करना है या ईमेल पर क्लिक करना है। देखो मैंने कल इसका ओनली मी किया है, आपने यहाँ से एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके आईडी का पहला फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होगा, आप पब्लिक भी कर सकते हो लेकिन ये नुकसानदेह होता है। तो आपने क्या करना है, अपने अपने आईडी का जो ईमेल होता है वो ओनली मी करना है, जैसे कि मैंने ओनली मी पे टिक किया है। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सिक्योरिटी एंड लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, उसमें कुछ चीज़ें जो है नहीं सॉरी यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस आपका पासवर्ड है वो आपको खुद मतलब प्रोटेक्ट में करना होगा, किसी को बताना नहीं है, वो कोई भी आपकी नहीं देख सकते हैं, और जितनी चीज़ें हैं वो आपकी कोई और देख सकता है अगर पब्लिक है। तो इसको ओनली मी करना है, इसी ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई है। इस प्राइवेसी में क्या करना है, प्राइवेसी में प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद देखो नंबर वन पे क्या लिखा है, हु कैन सी माई स्टॉप, मेरा स्टॉप, मेरा जितने भी चीज़ें आईडी में है वो कौन कौन देख सकते हैं अभी, हु कैन सी यूर फ्यूचर पोस्ट, मेरे मैं जो भी पोस्ट करता हूँ वो अगर मेरा फ्रेंड हो या ना हो वो हर कोई देख सकता है, अगर मेरी आईडी कोई भी सर्च कर ले और मैं जैसे भी पोस्ट करूँ आईडी में वो हर कोई देख सकते हैं, क्योंकि मेरा आईडी के जो पोस्ट होते हैं फ्यूचर पोस्ट वो पब्लिक है ऑलरेडी आपके सामने, इसको आप ओनली मी कर दो। ओके हु कैन सी द पीपल पेज अंडर लिस्ट यू फॉलो, ये बता रहे कि आपने किस ने आपको फॉलो किया है, किस ने आपको मतलब ऐड करने के बाद जो आपको फॉलो मिलता है, किस ने आपको फॉलो किया है, वो फॉलो आपके आईडी पे शो हो गए। अगर आप शो करना चाहते हो तो इसको पब्लिक कीजिए, अगर बंद करना चाहते हो तो उसको बंद भी कर सकते हो, जैसे कि आप हम लोग देखते हैं ना कि फला की आईडी पे इतने फॉलोअर्स हैं, फला की आईडी पे इतने फॉलोअर हैं, तो इस तरह
फॉलोअर अगर आपको शो करना है तो मतलब पब्लिक यहाँ से करना है। अगर आपको अब चाहते हो को वो मेरे फॉलोअर जितने भी हैं या कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह जो भी जिस वजह से भी आपने उसको हाइड करना है बंद करना है तो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपने वहाँ से ओनली मी करना है। ओके हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपका जो फ्रेंड लिस्ट है वो कैसे मतलब हाइड करना है उसको कैसे बंद, जब कोई भी न्यू फ्रेंड आपके आपके आईडी पर आ जाए तो वो आपका जो क्या है फ्रेंड लिस्ट होता है वो आपको उसको शो नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उस बंद किया है। इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, पब्लिक और ओनली मी। अगर आपने हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट उसको ओनली मी की हो तो कोई भी आपकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख सकता। तो इस तरह बर्थडे है, इस तरह ईयर ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ से मतलब हाइड कर सकते हो, मतलब ओनली मी कर सकते हो। ऐसे एक ज़रूरी हु कैन सी कॉन्टैक्ट मी, हु कैन सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसको अगर आप एवरीवन करते हो तो हर कोई आपको मतलब रिक्वेस्ट भेज सकता है फेसबुक पर। अगर आप इसको ओनली मी करोगे तो फिर आपको सिर्फ वही लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसका फ्रेंड मतलब जो जिसके साथ जो फ्रेंड आपके पास फ्रेंड होते हैं, इसमें अगर कोई और न्यू फ्रेंड आ जाए और इस न्यू फ्रेंड का जो आपके फ्रेंड में कोई और फ्रेंड हो तो तब वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है और फिर भी उसको कैंसिल और कंफर्म कुछ इस तरह का ऑप्शन भी आता है। तो इसको ओनली मी करना बेहतर होता है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बताई हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई है। इस तरह टाइमलाइन एंड टैगिंग में कुछ करना है, अपने सेटिंग करना है यहाँ पे। देखो हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, आपके टाइमलाइन में कौन कौन पोस्ट कर सकेगा, आपका कोई ऐसा दोस्त या मतलब जो आपको मज़ीद फ्यूचर में नहीं देखना चाहते, आपको आपसे वो जलता है तो फिर वो आपके टाइमलाइन में गलत पोस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप यहाँ से अपने टाइमलाइन की पोस्ट जो है वो मतलब ओनली मी कर दे ताकि कोई आपकी टाइमलाइन में पोस्ट ना करे। तो यहाँ से आप टाइमलाइन का पोस्ट जो है वो ओनली मी कर सकते हो। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ओनली मी कर सकते हो। इस तरह आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओनली मी करके आपके आईडी प्रोटेक्ट में होगी और आपके आईडी को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।